मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मथुरा जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है और कोसी कला इलाके के कोटवन बॉर्डर पर हरियाणा से आने वाले मजदूरों के लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार से पैदल नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मजदूरों को कोटवन बॉर्डर से कोसीकला मंडी समिति में लाकर उनको भोजन आदि की व्यवस्था कराई गई है, जिसके बाद सभी श्रमिकों को उनके गंतव्य के लिए बसों में रवाना किया जाएगा। ये शासन से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश ये प्राप्त हुए हैं कि कोई भी श्रमिक जो हमारे दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, उनको हर हालत में हमको बसों की व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य तक भिजवाना है। हमारे यहाँ कोटवन बॉर्डर पर जो जनपद पलवल से हरियाणा से लगता है, वहाँ पर यदि कोई पैदल आ रहा है, उसके अलावा ऐसे भी बहुत सी ट्रक या ऐसी गाड़ियाँ हैं जिस कंटेनर को बंद करके उसमें लोगों को भर के भेजा जा रहा है या तिरपाल से ढक करके भेजा जा रहा है, तो ऐसी प्रत्येक गाड़ी प्रत्येक ट्रक को हमारे फोर्स द्वारा यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हर एक श्रमिक को यहाँ पर रोक करके उसको खाना खिलाया जा रहा है। गाड़ियों की व्यवस्था कोसी मंडी में की गई है, यहाँ बॉर्डर से कोसी मंडी भिजवाने तक भी बसेज लगाई गई हैं शटल के रूप में, और कोसी मंडी से अपने गंतव्य तक जाने के लिए सभी के लिए प्रबंध किया जा रहा है। किसी भी श्रमिक को पैदल साइकिल या ट्रक के माध्यम से चलने नहीं दिया जाएगा, उनको हर हालत में बसों के माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा। हमारे और डीएम साहब द्वारा इस व्यवस्था का पूरा निरीक्षण और दिशा निर्देश जो है सभी अधिकारियों को यहाँ बॉर्डर पर दिए गए हैं और आने वाले समय में बहुत सुचारू ढंग से इसको चलाया जाएगा।